सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवालों की ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इन सवालों को कर लेंगे तो आप लगभग सभी सवाल कर सकते हैं। देखिए, ये सवाल है, जैसे कि पहला सवाल आप पढ़ेंगे कि नहीं, चार अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम 1980 है। इस तरीके से और भी सवाल है, सभी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। अगर ये सवाल आप कर लेते हैं तो बाकी सभी सवाल आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ। इसके एक दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कोई पहली संख्या है फर्स्ट नंबर 25 और सेकंड नंबर 20, तो पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड तो 5 × 5 इसके गुणनखंड होए, 5 × 4 20 के। अब देखिए, इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है 5, ये हो गया हमारा एचसीएफ। वो बचे हुए दो अदर फैक्टर जो हैं, इसे हम अदर फैक्टर लिख लेते हैं अभी। अदर फैक्टर, इसे को प्राइम भी कहते हैं, इसे है अभाज्य। तो देखिए, जो एचसीएफ आया ये हमारा 5, कॉमन पार्ट एचसीएफ के आ गया हमारा 5। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों से करेंगे, 5 × 4 × 5, तो जो आएगा संख्या, जो संख्या आएगी वो होगा एलसीएम। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, जो ये वाले थे। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बन गया। अब देखिए, दूसरे फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 3 है। फर्स्ट नंबर क्या होगा फिर उसका? 3a, क्योंकि जो a है, जैसे कि अदर फैक्टर में हम a और b मान लेते हैं, तो इसकी जो मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे वो एलसीएम आ जाएगा। तो अदर फैक्टर की मल्टीप्लाई a और b की करी थी, इससे इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक a ये हो गया और एक a ये हो जाएगा, ये हो गई अदर संख्या सेकेंड नंबर। तो ये दो संख्याएँ हैं, इनमें जो कॉमन पार्ट है 3, यही तो एचसीएफ है ना। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बन जाता है हमारा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3a इंटू 3b, तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं हम, 3 × 3 × a × b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये जो आया, देखिए क्या आया है, ये तो हमारा हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ से हमने दो अदर फैक्टर की मल्टीप्लाई करी है, तो पूरा हो क्या हो गया, ये एलसीएम, और ये क्या हो गया एचसीएफ। और यहाँ पे फर्स्ट संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या थी, तो ये जो आया है हमारा, एक फॉर्मूला और निकल चुका है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर 3, सॉरी ये हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ, ये एचसीएफ है और ये एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर एलसीएम है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल चुका है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से दो, यहाँ पर दो से ज़्यादा संख्या आ जाती है सवाल में, तो क्या, तो इसमें क्या चेंज होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 संख्या आ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3a इंटू 3b इंटू 3c, तो यहाँ पर 3c आ जाएगा, मतलब कि जो 3 है वो 3 बार आ जाएगा, 3, तो एक बार 3 तो अदर फैक्टर के साथ एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एक 3 है 3 × a × b × c, तो अदर फैक्टर के साथ ये एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बाकी दो 3 बचेंगे, मतलब दो जगह 3 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा, मतलब कि वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो एलसीएम इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ पर केवल, अब एक बात ध्यान रखिए, अब एलसीएम के साथ एक ही बार 3 आएगा, मतलब कि एक बार एचसीएफ आता है बस, बाकी जो दो जगह 3 बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप अगर 3 संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 4 संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि जो 3 होगा वो 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, तो 4 बार में एक बार तो इसके साथ चला जाएगा एलसीएम के साथ, बाकी 3 बार यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 जगह 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी बार अगर हम यहाँ पर संख्या, जितनी संख्या लेंगे
उससे एक कम इसकी पावर कर देंगे, उसकी घात कर देंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर चार संख्या लेंगे तो यहाँ पर तीन की पावर तीन कर देंगे, मतलब कि 4 माइनस 1। तो अगर संख्या एन है तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस वन। इस तरीके से इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू फोर्थ नंबर। इस तरीके से हम चार संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एच सी एफ की पावर एन माइनस वन इंटू एल सी एम। इसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसी का यूज़ बताऊंगा, पहले सवाल में इसी का यूज़ है। तो चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल यह है, किन्हीं चार अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका एच सी एफ 3 है और एल सी एम 1980 है। तो देखिए चार संख्या का गुणनफल बताना है जो कि ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों ऑप्शन को देखते हुए हमें सवाल करना है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, चारों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ की पावर एन माइनस वन, मतलब कि जितनी संख्याएं हैं वो एन है, नंबर ऑफ जो संख्या दे रखी है, तो इंटू एल सी एम। अब देखिए एन माइनस वन दे रखा है तो यहाँ पर तीन की पावर चार संख्या दे रखी है, तो 4 माइनस 1 इंटू एल सी एम 1980। यहाँ पर तीन तीन होती है 27 हो जाएगा, तो इसका 27 इंटू 1980। अब देखिए इसकी आपको डायरेक्ट एकदम कैलकुलेशन शुरू नहीं कर देनी है, ऑप्शन को देखते हुए आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो तो आंसर में आना ही है, तो ये तो अभी यहाँ ही कैंसिल हो गया। तो इसके बाद अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी की, 7 8 56, क्योंकि अब तो इसी की मल्टीप्लाई होगी ना पहले, तो 7 8 56, मतलब कि जीरो के बाद क्या आ रहा है, 6। 5 और 6 में 6 आ गया, तो मतलब कि जीरो के बाद 6 आ रहा है। तो देखेंगे हम जीरो के बाद 6 किसी में है, यहाँ पर देखिए 6 है और किसी ऑप्शन में नहीं है ये। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसका आंसर ये लगा सकते हैं। अगर 6 भी अगर दूसरे सवाल में होता तो हम उससे अगली वाली संख्या देखते, तो हमें पेपर में भी बिल्कुल इसी तरीके से आता है, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बिल्कुल यही थे। तो इस तरीके से ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग सेम सेम से ऑप्शन दे देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को देखते हुए जल्दी आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल ये है, किन्हीं दो अंकों का एच सी एफ तथा एल सी एम क्रमशः 13 और 455 है, यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में हो तो उस अंक को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दे रखा 75 से 125 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर ये जो एच सी एफ दे रखा है वो 13, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इनके जो बीच में संख्या आने वाली है उसके फैक्टर करेंगे तो ये 13 कॉमन पार्ट होगा, नहीं होगा, अगर ये उसका एच सी एफ है तो 13 कॉमन पार्ट होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। अब देखिए 75 के बाद हम इसका टेबल पढ़ेंगे 13 का, 13 7 देखिए 13 6 78, 78 भी 75 के बाद है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 13 7 91 ये ऑप्शन में दे रखा है, बाकी कोई भी संख्या इससे नहीं कट रही है। तो हमारा एक राइट आंसर ये हो गया। अब देखिए इसे कर भी करते भी, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हुए दिए हों तो इसे करते हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, एल सी एम बराबर एच सी एफ इंटू ए इंटू बी, जो अदर फैक्टर होते हैं ये। अब देखिए ये क्या दे रखा है, एल सी एम, एल सी एम दे रखा है हमारा 455, ये 13 दे रखा है, और ए इंटू बी हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, 13 से हम इसे काट देंगे तो ए इंटू बी आ जाएगा हमारा 13 3 39, यहाँ पर बचा 65 53 65, तो ए इंटू बी 35 आ गया। मतलब कि ए इंटू बी हम कैसे ले सकते हैं इसे, 7 सॉरी 7 गुणा 5, 7 5 35, तो यही तो फैक्टर हो रहा है इसी के। तो कॉमन फैक्टर क्या था इसका, 13, तो मतलब कि अगर हम इससे 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए है ये बी है, तो इसकी अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला अंक आ जाएगा, इसकी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा अंक। अब 13 7 91 हम इसकी 13 इंटू ए निकालेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 13 13 7 91 ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हम इससे लगा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है,
किन्हीं दो अंकों के एलसीएम तथा एचसीएम मतलब कि लेस है और मैस है का गुणनफल 24 है तथा इनके बीच का अंतर 2 है, अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। अब इसे हमें पता है ये क्या है, 24। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनखंड आ गया गुणा करने के बाद 24 आ गया, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं 24 को, लेकिन हमें अंतर क्या है, क्या होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए उसका, तो 2 इससे भी आ गया। अब ये आ जाएगा 3 8 24, इसका भी अंतर 2 नहीं है, तो 4 से देखते हैं, 4 6 24, तो इसका अंतर 2 आ गया, 4 6 24, तो एक संख्या आ गई 4 और एक संख्या 6, क्योंकि इसी का अंतर क्या दे रखा था, 2, तो केवल इन्हीं संख्याओं में इसका अंतर 2 आ रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर हमारी दो संख्याएं निकल गई, 4 और 6। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए चौथा सवाल ये है, अंक 28 तथा 42 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहली बात तो हमें केवल इसे पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना है, तो इस एलसीएम में एचसीएफ तो शामिल होगा ही, क्योंकि HCF इंटू ए इंटू बी तो एलसीएम होता है, HCF से HCF कट जाएगा तो 1:A:B, तो इसी का रेशियो आ जाएगा, मतलब कि एक तो उसके रेशियो में शामिल होगा ही, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि एक शामिल है, वो ये सी, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ पर एलसीएम पहला आना चाहिए था क्योंकि 6 यहाँ पर है, तो हमें एलसीएम और एच सी एफ का एलसीएम निकालना है, एच सी एफ का अनुपात निकालना है, तो इस एलसीएम में देखिए एच सी एफ इंटू ए इंटू बी तो शामिल है, इंटू एच सी एफ तो एच सी एफ से एच सी एफ कट जाएगा, तो ए इंटू बी इंटू 1। अब ए इंटू बी क्या है, एच सी एफ निकालने के बाद दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणनखंड है ये। अब देखिए संख्याएं दे रखी हैं 28 और 42, तो 28 का क्या लिख सकते हैं हम, 14 गुणा 2, और 42 को 14 तिया 42, तो कॉमन पार्ट तो ये हो गया, ये हमारा एच सी एफ आ गया। मैं कह रहा था एच सी एफ से हटकर जो बचकर जो संख्या होती हैं 2 और 3, वो ए और बी होती हैं, तो ए क्या है 2, बी है 3, तो 3 दुनी 6, मतलब कि 6:1 इसका आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए पांचवा सवाल है ये, किन्हीं दो अंकों का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 120 है, मतलब कि लेस है 120 है, तो अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल दे रखा है जो 4 और 5 है ये रेशियो, ये ए और बी तो है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। एलसीएम क्या होता है, बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। अब ये ए इंटू बी तो ये 4:5 है, क्योंकि जो दो संख्याएं होती हैं, दो संख्या को हम गुणा करते हैं, तो उनमें जो कॉमन फैक्टर आता है वो तो एचसीएफ हो गया। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो ए और बी बचेगा, मतलब कि अब मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या इस तरीके से हैं, ये एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू ए एचसीएफ इंटू बी, यही तो होगा, तो मतलब कि पूरे में एचसीएफ शामिल है, ये हमने हटा दिया, इसमें से भी हमने ये हटा दिया, तो ये जो बचा तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों संख्याओं का रेशियो ए इंटू बी तो आएगा, तो इस तरीके से हम ए इंटू बी 4:5 होगा, तो ये 4 है ये 5 है, तो 4 5 20 हम इधर पहुंचा देंगे, ये क्या दे रखा है हमारा एलसीएम, इसका लेस क्या दे रखा है 120, तो एचसीएफ हम कैसे निकाल देंगे, एचसीएफ 4 5 20 इधर पहुंच जाएगा, 120/4 5 20 ये नीचे भागे पहुंच जाता है, तो 20 6 120, तो मतलब कि एच सी एफ हमारा क्या आ गया 6। हम इस एच सी एफ से ए वाई सी गुणा कर देंगे तो एक पहली संख्या आ जाएगी, फिर एच सी एफ से इसकी गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 6 चौक 24 पहली संख्या, 6 पंजे 30 दूसरी संख्या। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर दोस्तों आपको इससे अच्छे मेथड आते हैं, इससे और शॉर्ट ट्रिक, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आती हैं, तो आप उन्हें यूज कीजिए, क्योंकि CGL जैसे एग्ज़ाम में, CGL CHSL या CPO या बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ाम में टाइम की बहुत वैल्यू रहती है,
तो आपको अगर इनसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड आते हैं तो आप उन्हें यूज़ करिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छे मेथड हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शॉर्ट कर लोगे। तो अगर दोस्तों कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और उन स्टूडेंट को तो ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।